जय श्री सीताराम। रत्नों को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ रहता है। आज इसी प्रकार के कंफ्यूजन को मैं दूर करने के लिए आया हुआ हूँ। एक कंफ्यूजन है खास तौर पर शुक्र के रत्नों को लेकर के और चंद्र के रत्नों को लेकर के कि कहाँ पर किस उंगली में किस जगह पर इसे पहना जाना चाहिए। तो ये तो एक कंफ्यूजन है, लेकिन ये तो सेकेंडरी कंफ्यूजन है। उसके भी पहले का कंफ्यूजन ये है कि किस हाथ में रत्न पहना जाना चाहिए, सीधे हाथ में या फिर उल्टे हाथ में। तो इसी गुत्थी को मैं आज के इस वीडियो में सुलझा रहा हूँ। देखें, जहां तक हाथ का सवाल है तो सीधे हाथ को प्रायोरिटी रखनी चाहिए। सीधे हाथ को प्रायोरिटी क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जो हैं उनका आदेश है कि आप सीधे हाथ में रत्न पहने। अब कोई कह सकते हैं कि भाई हमने तो फला फला व्यक्ति को देखा, उन्होंने उल्टे हाथ में भी रत्न पहने हैं और कहीं ना कहीं वो बहुत सफल भी हो रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ, एक्सेप्टेड, कि उल्टे हाथ में भी रत्न पहने वो सफल हो रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का मैं एक लॉजिक आपको बताता हूँ कि ऋषि मुनियों ने सीधे हाथ में रत्न पहनने के लिए क्यों कहा। देखें, हम भारतीय लोग हैं, है ना, और जब शौच क्रिया की जाती है ना, तो भारतीय कल्चर, जो इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर टॉयलेट के आधार पर उल्टे हाथ का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, हालांकि आजकल वेस्टर्न कल्चर की टॉयलेट्स लगभग लगभग हर घरों में या बहुत सारे घरों में हो चुकी है, तो उसकी वजह से उल्टा सीधा एक समान हो गया है ना। लेकिन पहले उल्टे हाथ का इस्तेमाल भी किया जाता था, आजकल कई घरों में किया भी जाता है, और उतने अच्छे सैनिटाइजर्स, उतने अच्छे हैंड वॉश पहले हुआ नहीं करते थे, है ना। तो जब नहीं हुआ करते थे तो उल्टे हाथ का इस्तेमाल जो भी पूजा की वस्तुएं होती थी, जो भी पवित्र वस्तुएं होती थी, या खाने पीने के लिए नहीं किया जाता था। इसे थोड़ा अलग रखा जाता था, है ना, इसकी वजह वो हुआ करती थी। लेकिन आज के जमाने में पहली बात तो वेस्टर्न कल्चर टॉयलेट्स आ गई हैं, और दूसरी बात ये कि हैंड वॉश सैनिटाइजर्स भी हमारे पास उपलब्ध हैं। तो इस वजह से अब उल्टे हाथ का वो जो वर्जित है, जो देव स्थान पर या देवताओं की चीजों में या पवित्र चीजों में उल्टे हाथ को नहीं लगाना, ये जो आदेश है, इसका अब आज के जमाने में उतना मतलब नहीं रह गया है। तो इस वजह से उल्टे हाथ में भी रत्न पहने जाते हैं। लेकिन चूंकि आज भी हम रहे तो भारत में ही रहे हैं, है ना भाई, हो सकता है ऐसे कई सारे दर्शक होंगे जो इस वीडियो को भारत के बाहर देख रहे होंगे, लेकिन खास तौर पर मैं भारतीयों के लिए बात कर रहा हूँ कि भारत में रह रहे हो, कई सारे भारतीय ऐसे हैं जो कि इंडियन कल्चर टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो अधिकतर मैं पहले नंबर पर यह कहता हूं कि भाई आप सीधे हाथ पे रत्न पहने। लेकिन फिर भी यदि कहीं आप एक्सेप्शनल हैं, एक्सेप्शनल मतलब इंडियन टॉयलेट नहीं है, तो फिर आप जो हैं वो उल्टे हाथ में रत्न पहन सकते हैं। लॉजिकली एक मैंने आपको आंसर दिया, ठीक है, तो आप उल्टे हाथ में रत्न पहन सकते हैं, सीधे हाथ में रत्न पहन सकते हैं, कहां पहने ये आपको, इसका आंसर आपको मिल गया। प्रायोरिटी सीधे हाथ को रखिए। अब आते हैं इस बात पर, और सबसे ज्यादा पूछा गया एक प्रश्न है कि सर, शुक्र का जो रत्न है, चाहे वो हीरा हो, चाहे वो ओपल हो, चाहे वो जरकॉन हो, उसे किस उंगली में पहने? कई सारे लोग जो है वो दिखते हैं पहली उंगली में पहने हुए, इंडेक्स फिंगर में, कई सारे लोग दिखते हैं मिडिल फिंगर में पहने हुए, कई सारे लोग जो है वो इस उंगली में पहनते हैं, रिंग फिंगर में, अनामिका में, है ना, शुक्र का रत्न, हीरा। तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया कहाँ पहनना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं, रत्न जो पहने जाते हैं वो हस्तरेखा विज्ञान को ध्यान में रखकर पहने जाते हैं। जी हाँ, हस्तरेखा विज्ञान, हाथों में पर्वत होते हैं, शनि पर्वत, गुरु पर्वत, इसके बारे में और कभी हम समझेंगे, शुक्र पर्वत। तो जो पर्वत है उसके आसपास जो फिंगर है वहां पर उस ग्रह का रत्न पहन लिया जाए। अब मैं आपको सबसे बड़ी और सबसे अलग बात बताता हूं। शुक्र पर्वत कहां पर है? शुक्र पर्वत ये है, इसे शुक्र पर्वत कहा जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। तो यदि शुक्रदेव के अच्छे रिजल्ट चाहिए, मजबूत रिजल्ट चाहिए, तो शुक्र का कोई भी रत्न हो, हीरा, जरकन या फिर ओपल, उसे अंगूठे में यदि आप पहनते हैं, बहुत अलग बात बता रहा हूं, यदि अंगूठे में पहनते हैं तो इतने अच्छे, इतने फास्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे कि आप कहिएगा। अंगूठे में, अब कई बार ये होता है कि कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं या कई बार अंगूठे में अच्छा नहीं लगता है, तो फिर सेकंड नंबर पर मैं कहता हूं आप पहनिए बड़ी उंगली में,
मिडिल फिंगर में, मिडिल फिंगर में शनि पर्वत होता है और शनिदेव की उंगली इसे कहा जाता है ना, तो शनि की उंगली में शुक्र का रतन पैन है, ये सेकेंडरी ऑप्शन है। लेकिन इस उंगली में सॉरी और रिंग फिंगर में या इंडेक्स फिंगर में शुक्र देव का रत्न बिल्कुल भी नहीं पहना जाता। हाँ, जब सगाई होती है तो हीरा पहनाते ना, रिंग सेरेमनी रिंग होती है जो एंगेजमेंट सेरेमनी के रिंग, वो पहनाया जाता है, ठीक है, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजिकल नहीं होती है। एस्ट्रोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, जो भी एस्ट्रोलॉजिकल रिंग होती है वो नीचे से खुली हुई रहती है, और सगाई की जो रिंग होती है वो नीचे से खुली हुई नहीं रहती है। तो वो यदि यहां पर आप पहनते हैं तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली आप यदि शुक्रदेव को मजबूत करने के लिए हीरा पहन रहे हैं तो आपको मेरी इस बात का ध्यान रखना है। अब हीरा पहने, ओपल पहने या जरकन पहने, इस बात को तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन कौन सी धातु में पहना जाना चाहिए, तो इसे सफेद धातु में पहना जाना चाहिए, शुक्र का कोई भी रत्न हो सफेद धातु में। तो ओपल और जरकन तो चलिए ठीक है, सफेद धातु ने चांदी में आपने पहन लिया है ना, लेकिन हीरा चांदी में पहनना थोड़ा और लगता है, तो इसे आप प्लेटिनम में पहन सकते हैं। भाई जब हीरा खरीदने की ताकत यदि आपके पास है तो प्लेटिनम भी आप ले ही सकते हैं, तो प्लेटिनम में आप इसे पहनिएगा, या कई बार व्हाइट गोल्ड भी हम कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको बात समझ में आ गई। अब एक और कंफ्यूजन रहता है मोती को लेकर, कई लोग मोती इस फिंगर में पहनते हैं रिंग फिंगर में, कई लोग मोती पहनते हैं सबसे छोटी अंगुली में। मोती को जो है वो सबसे छोटी अंगुली में ही पहना जाता है, चांदी में, सफेद धातु में। चांदी मोती के लिए बहुत अच्छी है, उसके लिए व्हाइट गोल्ड या प्लेटिनम की जरूरत नहीं है, चांदी में मोती आप पहन लीजिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके कंफ्यूजन्स जो बने होंगे वो दूर हुए होंगे इस वीडियो को देख करके। और भी कई प्रश्न है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे लगेगा कि उस प्रश्न का उत्तर वीडियो बना करके दिया जाना चाहिए, तो मैं जरूर से उस प्रश्न का उत्तर वीडियो के माध्यम से देने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।